कि जब वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें, हम जबरदस्ती जाके रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाके नहीं रहे, लोग कह रहे हैं कि आप जा नहीं रही हैं, रह नहीं रही हैं, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत में जो ऑडियो मैंने सुनाया, जो ऑडियो क्लिप का मैंने हिस्सा आपको सुनाया, इस ऑडियो की पुष्टि उल्टा चश्मा यूसी नहीं करता है। दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह और पवन सिंह के किसी बेहद करीबी शख्स के बीच हुई बातचीत का है। दोस्तों, ये जो ऑडियो है ये तकरीबन 9 मिनट का है। मैं इसके तमाम हिस्से आपको सुनवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर ये ऑडियो वायरल क्यों हो रहा है, इसमें बातचीत क्या हो रही है और पवन सिंह को लेकर कौन सी खबर सुर्खियों में आ गई है। दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह को लोग उनके भोजपुरी गानों की वजह से खूब जानते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह सुपरस्टार हैं, वो अपने आप को पावर स्टार कहते हैं। हाल ही में पवन सिंह ने एक गाना गाया जो स्त्री 2 फिल्म में था, जो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उससे पहले पवन सिंह ने निर्दलीय काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। बिहार की ये सीट है जहां पवन सिंह चुनाव हार गए। पहले उनको भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन अब अचानक इस तरह का ऑडियो सामने आया है। दोस्तों, पवन सिंह की पहली पत्नी का निधन हो गया था, उसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन ज्योति सिंह के साथ भी उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे। दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव की खबरें आती रहीं, दोनों अलग रहने लगे। इसके बाद अचानक पवन सिंह चुनावी रण में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनावी प्रचार में उनके साथ ज्योति सिंह नजर आती हैं। चुनाव खत्म होता है, पवन सिंह चुनाव हारते हैं। कहा जाता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों के बीच रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं और अब तलाक जैसी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन अचानक दोस्तों एक चेहरा सामने आता है, एक चेहरे का जिक्र होता है जिसका जिक्र इस ऑडियो में भी है, वो नाम बबीता मिश्रा का भी है। बबीता मिश्रा इस बात की रिपोर्ट करती हैं, दावा यह भी किया जा रहा है कि बबीता मिश्रा बिहार की कोई पत्रकार है। उनके मुताबिक, बबीता मिश्रा के मुताबिक, पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक होगा और पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। अब पवन सिंह की तीसरी शादी और इस तमाम तरह की खबरों के बीच में ये ऑडियो सामने आता है जिसमें बातचीत है। इस बातचीत के एक हिस्से में ज्योति सिंह जिस शख्स से बातचीत कर रही हैं उससे ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैंने पवन सिंह के चुनाव में बहुत मेहनत की, वो चुनाव जीत जाए मैं ये चाहती थी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन मैंने अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखी। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे पैर छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ, मैं घूमी नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम किया है, प्यार नहीं होता, मैं उस इंसान के लिए इतना क्यों करती? सही बात है, मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। बातचीत में वो शख्स ज्योति सिंह को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है, जिस तरह का विवाद बन रहा है, उससे पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है उस पर असर पड़ रहा है, पवन सिंह का नुकसान हो रहा है, इसलिए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो शख्स पूरी तरह से पवन सिंह की वकालत कर रहा है। ज्योति सिंह कहती हैं कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पवन सिंह तो फिर भी अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता रहे हैं लेकिन मैं बेहद परेशान हूँ। मेरे साथ जो हुआ है हम आगे बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आगे मीडिया में बोले? हम कुछ नहीं बोले अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? मेरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम तो अभी बैठे हुए हैं ना अंकल घर पे, हम तो लड़ रहे हैं ना चीजों से, हम तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी चीजों से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। आप बताइए कि इस बीच आप ऐसा बाइट देंगे अंकल तो अगले के मन में या फिर दूसरे के मन में क्या आएगा? रिश्ता बनने वाला भी बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आगे जब ये बातचीत बढ़ती है तो पवन सिंह की पैरवी करने वाला ये शख्स जिसको ज्योति सिंह बार बार अंकल कह रही है, वो ये कहता है कि आपको पवन सिंह के साथ लौट जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता ठीक हो जाए।
इसी ऑडियो में ज्योति सिंह ये खुलासा भी करती हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि उनके घर वाले जनवरी के महीने में उनकी शादी कराना चाहते हैं, मैं उनके साथ रिश्ते में वापस जाना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि हम दोनों साथ साथ रहें, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठाते। लोग कम हो रहे हैं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है अंकल? आप एक बार पवन जी से बतिया लीजिए ना, दोनों साथ तो हैं। आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का, आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं? आपको नहीं पता है अंकल, तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब वो हमारे घर आए थे, उनसे मैंने बोला कि ठीक है आप ले चलिए हमें अपने साथ, तो उनका ये था कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम आपको ले जाके क्या करेंगे, आप मैं क्या झेली हूँ आप जानते हैं, आप तो आके बस कैमरे के सामने बाइट दे दे रहे हैं, उस चीज से मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है, वो चीज आपको समझ में आ रहा है अंकल? देखिए ठीक है, हमको दो चार दिन का समय, सुनिए ना, खुल के बोल रही हूँ मैं, आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से में दोस्तों वो शख्स ये कहता है कि पवन सिंह पिता बनना चाहते हैं, पवन सिंह की माँ चाहती हैं कि वो दादी बने, उनको पोता हो। इसके जवाब में ज्योति सिंह क्या कहती है वो पूरा ऑडियो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि दोनों के बीच बच्चे को लेकर क्या बातचीत होती है। बहुत ललायत है अपने बेटे के पोते के लिए, पवन जी खुद ललायत है अपने लड़के तो, तो क्यों तलाक दे रहे हैं आप ही बताइए ना, जब बीवी का शौक था बच्चे के लिए ललाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं, क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं आप बस बताइए ना, आप तो तुरंत मेरे माँ बाप पे आ जा रहे हैं, ज्योति जी के माँ बाप मोहन जी को घर, आप मोहन जी को, आप आपके दोस्त हैं, आपका स्टूडियो है, आपका सब चीज है, आप उसमें है कि मोहन जी का मेंटेनेंस जो वो जिस तरीके से उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर पाएंगे, गिरे पड़े खनान से नहीं हो अंकल, लेकिन हाँ मैं खुल के कह रही हूँ कि पवन जी का जो लाइफ स्टाइल है वो मेरी फैमिली मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्यों चाहेगी कि पवन जी आके घर जमाई बन के रहे? नहीं नहीं नहीं, हमको उससे लेना, देखिए पवन जी कभी नहीं चाहते हैं, पवन जी नहीं चाहते हैं कि मेरा कंट्रोवर्सी हो, नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है। ज्योति सिंह के नाम पे जितनी गंदगी की गई, ज्योति सिंह चाहती थी क्या कि लोग आके मेरे बारे में ये चीजें बोले? हमारा तो मुंह से बोला जा रहा है अंकल, जिसकी बात कर रहे हैं उसका तो छपा हुआ है पूरा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि उल्टा चश्मा यूसी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये ऑडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल है, हर जगह इसे सुना जा रहा है, इसको लेकर तमाम वेबसाइट्स खबरें छाप रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं और ज्योति सिंह को तलाक देंगे। लेकिन जिस तरह से ज्योति सिंह और पवन सिंह के खास शख्स के बीच ये ऑडियो बातचीत का आया है, वायरल हुआ है, उसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या वाकई ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक हो जाएगा, और पवन सिंह जो पिता बनना चाहते हैं क्या पिता बनने की ख्वाहिश में वो ज्योति सिंह को तलाक देकर अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं। दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर जो ये खबर है, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।